न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी झा। देखिए, लोकसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में तमाम पार्टी के नेता जो हैं अपने अपने स्तर से प्रचार प्रसार में लग चुके हैं। इसी कड़ी में चिराग पासवान की पार्टी यानी कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के मुजफ्फरपुर के जिला प्रभारी संजय कुमार सिंह लगातार अलग अलग जिलों में जाते हैं और चिराग पासवान के विजिट बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट के बारे में बताते हुए नजर आते हैं। और इसी कड़ी में संजय सिंह जो है वैशाली पहुंचे हैं और वहां के युवाओं को बताया है कि बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का मतलब समझा रहे हैं। पहले आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं। पंचायत मदिरापुर में यहां मंच पर उपस्थित हमारे मीनापुर के, ये बोझा प्रखंड का हिस्सा है लेकिन मीनापुर विधानसभा का ये हिस्सा है, तो मीनापुर के हमारे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रखंड अध्यक्ष मुकेश जी इस मंच पर उपस्थित हैं। मीनापुर के युवा प्रखंड अध्यक्ष आफताब आलम जी, लोजपा के नेता मनोज कुमार जी और इस जो सभा को ऑर्गेनाइज किए हैं अजीत जी, मैं आप सभी लोगों परमानंद जी, अजीत जी और मदिरापुर पंचायत के आप सभी माताओं, बहनों, बुजुर्गों, युवाओं, बच्चों, आप सभी को संजय सिंह का नमस्कार। मैं यहां लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री चिराग पासवान जी का प्रतिनिधि बनकर आप लोगों के सामने आया हूं और मेरा नाम है संजय कुमार सिंह, जैसा कि आपने बताया, और मैं मुजफ्फरपुर जिला का प्रभारी हूं। साथ ही साथ लोक जनशक्ति रामविलास के प्रचार प्रसार प्रमुख, मतलब पार्टी के बारे में आप सभी को बताने के लिए प्रचार करना, अपने पार्टी के बारे में लोगों को बताना, अपने पार्टी के विचारधारा के बारे में लोगों को बताना, यही मेरा कर्तव्य है। और मैं वैशाली लोकसभा के मुख्यतः सभी पंचायत का दौरा कर चुका हूं, एक एक पंचायत जो है सो मैं घूम चुका हूं और इसी कड़ी में मैं आज मदिरापुर में आप लोगों के सामने जो है सो मौजूद हूं और आप लोगों को लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के बारे में और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के बारे में और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी के आगे की रणनीति के बारे में आप लोगों को बताऊंगा। पार्टी की सरकार थी, अब जो है सो एनडीए की सरकार हो गई यहाँ भी और फिर और हम लोग भी सरकार में शामिल है, मतलब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी शपथ ग्रहण समारोह में थे। आप लोग देखे होंगे कि शपथ ग्रहण समारोह में चिराग पासवान भी थे, जेपी नड्डा भी आए हुए थे, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्हीं के प्लेन से, चार्टर प्लेन से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आए हुए थे और एनडीए सरकार के सहभागी हैं। आपको पता ही होगा कि वैशाली लोकसभा जो है सो लोक जनशक्ति पार्टी का सीट है, यहां से पिछले दो बार से लगातार जो है सो लोक जनशक्ति पार्टी का उम्मीदवार जीता है, जैसे कि 2014 में रामा सिंह जी जीते थे और 2019 में बीना जी जीती थी। अब इस बार भी मुझे लगता है कि वैशाली लोकसभा से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का ही जो उम्मीदवार होगा और जो कोई भी होगा, आप मुझे पूर्ण आशा है कि आप सभी लोग जो है सो उनको मदद करेंगे और चिराग जी के हाथों को मजबूत करेंगे। चिराग जी चाहते हैं कि बिहार में रोजगार के अवसर प्रदान हो, शिक्षा के स्तर में जो है सो सुधार हो और शिक्षा में सुधार होगा तो हमारे आपके बच्चे जो है सो अच्छी शिक्षा तालीम प्राप्त करेंगे और जब शिक्षा प्राप्त करेंगे तो उसे रोजगार मिलने में आसानी होगी। अभी क्या है, अगर अच्छे स्कूल से बच्चे नहीं पास करते हैं तो उसका जो है सो सरकारी नौकरी में या प्राइवेट नौकरी में, किसी भी नौकरी में उसको नौकरी मिलने में बहुत परेशानी होगी, इसीलिए शिक्षा के स्तर में बहुत सुधार की जरूरत है। और उसके बाद स्वास्थ्य के स्तर में, अभी क्या है, स्वास्थ्य में जो है सो हॉस्पिटल है, अगर कोई आदमी विकट परिस्थिति में बहुत सीरियस बीमारी हो जाती है किसी को तो उसको हमको कहां ले जाना पड़ता है, यहां से पटना ले जाना पड़ता है, आईजीएमएस में भर्ती कराना पड़ता है या पीएमसीएच में भर्ती कराना पड़ता है और उसमें इतनी भीड़ है कि वो दिक्कत होती है, तो फिर हम लोगों को जो है सो किसी नेता को पकड़ना पड़ता है उसके पैरवी करने के लिए,
तो हम लोग के बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट ने कहा दिया है कि जिला स्तर पर उसी प्रकार का जो है सो अस्पताल खोले जाएंगे और उससे यह होगा कि आपको जो है सो पटना नहीं जाना पड़ेगा, मुजफ्फरपुर में ही जो है सो अच्छे हॉस्पिटल रहेंगे, अच्छे डॉक्टर रहेंगे, सभी प्रकार की जो है सो जांच की सुविधा रहेगी, अल्ट्रासाउंड रहेगा, सीटी स्कैन रहेगा। तो इन सब चीजों को लागू करने के लिए चिराग पासवान जी से दृढ़ संकल्पित है, लेकिन ये तभी हो सकता है जब आप सभी लोग जो है चिराग पासवान जी के हाथों को मजबूत करेंगे। बताइए, जब तक चिराग पासवान जी को आप चिराग पासवान जी के एमपी को या एमएलए को जिता करके नहीं भेजिएगा, तब तक चिराग पासवान जी ये नहीं कर सकते हैं। इसीलिए आप सभी लोगों का साथ जो है सो जरूरी है। चिराग पासवान जी के हाथों को मजबूत करने के लिए आप सभी लोगों का साथ जरूरी है, और मैं ये समझता हूं कि आप सभी लोग जो है सो चिराग पासवान जी में विश्वास रखते हैं और आप सभी लोग जो है सो उनके हाथों को मजबूत कीजिए। आने वाले समय में अभी जो है सो 2-3 महीने बाद चुनाव आने वाले हैं, लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं, तो चिराग पासवान जी के जो भी यहां से उम्मीदवार होंगे आप सभी लोग जो है सो उनको जिताने का काम करिएगा। यही संदेश लेकर के हम आपके पास आए हैं। आप सभी को इस सभा में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने अपना कीमती वक्त जो है सो निकाल के यहां पर आए हैं, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग अब मेरे साथ जो है सो चिराग पासवान जी का एक नारा लगाइएगा, बोलिए चिराग पासवान। जिस तरीके से संजय सिंह ने अपनी बातों को रखा, उन्होंने वैशाली के लोगों को बताया कि चिराग पासवान का जो विजन है कि बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट, इसके बारे में विस्तार से समझाया और लोगों को इस विचारधारा से जुड़ने के लिए भी कहा। आपके इस वीडियो पर क्या राय है हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और ऐसी ही तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहें न्यूज़ 4 नेशन।